वेलकम बैक एवरीवन। आज इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे रूट मोबाइल लिमिटेड के बारे में। देखो, रूट मोबाइल लिमिटेड का सबसे पहले वैल्यूएशन समझते हैं। स्टॉक का भी 27 पे, इंडस्ट्री का भी 40 है। एक रीजन क्या था जिसकी वजह से स्टॉक इस लेवल पे बहुत ही बुरी तरीके से हॉल्टर हुआ, क्योंकि इससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बॉटम आउट के बाद में जो रिकवरी थी वो बहुत स्ट्रांग थी। यहाँ पे न्यूज आई कि बेल्जियम बेस्ड एक ग्रुप ने रूट मोबाइल में मैक्सिमम स्टेक को एक्वायर कर लिया फॉर 6,000 करोड़ रुपीज। अप्रोक्सीमेट फिगर है, एग्जैक्ट फिगर 5922 से शायद। बट एनीवेज, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक बाहर की कंपनी ने इसे एक्वायर किया, प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को सेल ऑफ कर दिया, ऑफलोड कर दिया। तो उससे हुआ क्या कि नई मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगी वो देखने वाली चीज रहती है हमेशा। एंड उसके बाद से कुछ जब टाइम बीत जाता है तो आपको एक आइडिया लगने लग जाता है। ऑल्दो मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि आपको एनुअल रिपोर्ट तक रुकना चाहिए एक अगर आपको डिटेल आइडिया चाहिए तो। देखो, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है एंड बुक वैल्यू 325 के बुक वैल्यू पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। एंड आर ओ सी आर ओ ई दोनों बहुत बढ़िया है। कंपनी का बिजनेस है ये जो ओ टी पीज होते हैं और इसके अलावा ये जो मल्टीपल क्लाउड सर्विसेज होती है जो कंपनी है वो प्रोवाइड करती है। तो मुझे लगता है बिजनेस इनका बहुत अच्छा है, ग्रोइंग एंड स्टडी बिजनेस है। बड़े बड़े क्लाइंट्स इनके जो है यहाँ पे हैं स्पेशली फॉर दिस ओ टी पी बिजनेस। रूट मोबाइल के बारे में अगर हम लोग सेल्स की बात करें तो सेल्स के अंदर भी एक अच्छी ग्रोथ है। सितंबर 2023 में एक अच्छी जंप हमें देखने को मिली एज कम्पेयर टू सितंबर 2022। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे लेवल पे था, नेट प्रॉफिट भी अच्छी रही। यहाँ पे टॉप लाइन भी जो है बहुत तेजी से ग्रो करी है अगर हम लोग एनुअल लेवल पे भी बात करते हैं। और अभी ट्रेडिंग 12 मंथ्स में भी 4,000 करोड़ के मार्क को इन्होंने अचीव कर लिया है। बॉटम लाइन भी अच्छी इम्प्रूव हुई है। देखो, सारी चीजें अच्छी है कंपनी में, जस्ट एक पॉइंट है वो मैं अभी आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। वो है कि इस कंपनी के रिसीवेबल्स जो है वो थोड़े से प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे कंपनी काम जो कर रही है उसके अंदर मतलब ऐसा नजर आ रहा है कि इनका क्रेडिट पीरियड जो है वो कंपैरेटिवली हायर साइड पे रहता है। वो एक फैक्टर मुझे लगता है यहाँ पे आपको देखना चाहिए, उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस कंपनी के नेक्स्ट, अगर हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, 58% कंपनी के प्रमोटर्स के पास में, FIIs के पास में 21% कंपनी है। DIIs कंटिन्यूसली ऑफलोड कर रहे हैं। देखो, DIIs को ऑफलोड करना बनता भी है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों। जब फॉरेन कंपनी जो है यहाँ पे एक स्टेक को ले लेती है, देखो अगर वो इस पर्टिकुलर कंपनी को डीलिस्ट करवाना चाहें एंड एज अ प्राइवेट एंटिटी चलाना चाहें तो वो जिस भी ऑफर पे लाएंगे प्राइस को आपको उन्हें उनके साथ में जो है एडजस्ट करना ही पड़ेगा। वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है यहाँ पर, समझने वाला फैक्टर। रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में एक एडवांटेज होता है कि उन्होंने एक मोमेंटम के लिए स्टॉक में पोजीशन बनाई, एक मोमेंटम के लिए स्टॉक हटा दिया, बट आपको वो फैक्टर समझना बहुत जरूरी है। देखो, रिसीवेबल्स इनके लिए एक प्रॉब्लम है आज के डेट पे, मैं आपको ये चीज़ कहूंगा। एंड रेशियोज भी अगर आप देखोगे, डेटर डेज, देखो ये सब एडजस्ट हो रहे हैं, एक अच्छा पॉइंट है। कैश कन्वर्जन साइकिल अगर आप यहाँ पे जनरली भी देखोगे तो इनकी थोड़ी सी हायर साइड पे नजर आ रही है, उस एक फैक्टर को आपको समझना है। बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के बोरिंग्स की, तो 181 करोड़ के बोरिंग्स हैं, 1900 करोड़ के रिजर्व्स हैं। अगर ये बैड डेट्स ना निकले तो आई थिंक इट इज गुड फॉर कंपनीज। 3 नवंबर 2023 लास्ट 3 रुपए का डिविडेंड देखने को मिला था। एंड रूट मोबाइल के बारे में ये आर्टिकल आकर आप जरूर पढ़ना, आपको एक अच्छा आइडिया लगेगा अराउंड इट्स वैल्यूएशन। आर ओ सी भी वैसे कंपनी का बहुत अच्छा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर हम लोग देखते हैं तो 22% के आसपास है। ट्रेलिंग अगर देखोगे तो वो 20% के आसपास है शायद। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के जोन की, तो देखो इस जोन को जो है फाइनली ब्रेक कराया स्टॉक ने, जो कि एक अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ से नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 1650 रुपए की। हमें लगता है यहाँ से काफी तेजी से मतलब एक ही कैंडल के अंदर जो है ये जोन ब्रेक होना चाहिए। बट पॉइंट पता है क्या हुआ है, एक बार भी देखो ये वॉल्यूम सपोर्ट तो हम बार बार एक्सपेक्ट नहीं करते रूट मोबाइल में, ये तो एक एक्सेप्शनल डे था। पर अगर आप जनरली भी देखोगे तो यहाँ पे अराउंड 1 मिलियन 2 मिलियन की वॉल्यूम आती थी ब्रेकआउट्स पे, वो वॉल्यूम ने फॉलो नहीं कराया यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ से स्टॉक जो है वापस इस जोन के अंदर जा सकता है एंड ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे फेक होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए अगर मैं कभी भी पोजिशन बनाना चाहूंगा रूट मोबाइल में तो मैं पर्सनली वेट करूंगा कि ये जो स्टॉक है एक बार ब्रेकआउट दे दे ढंग से और इस जोन के ऊपर प्रीवियस रेजिस्टेंस के एक बार ऊपर निकल जाए, तो उससे मुझे जो है एक बेटर आइडिया रहेगा हमेशा। तो मैं वैसे करके देखता हूँ इसको। बट एक बार 1650 रुपए का लेवल ब्रेक कर देता है स्टॉक तो फिर आप देखोगे कि छोटे 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 जोन ट्रेल करके एक अच्छा रिटर्न जो है यहाँ पे हमें बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे, ये उल्टा बन गया थोड़ा सा, बट
मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। छोटे छोटे जोन जो हैं वो अल्टीमेटली 2,150 रुपये तक के लेवल्स तक लीड करते हुए हमें नजर आ सकते हैं। अब उसके ऊपर क्या होगा वो तो फिर तब देखा जाएगा, ये इतना भी दूर का नहीं देखना है अभी। अगर हम लोग से मोमेंटम के लिए ट्रेड करते हैं, लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करते हैं, मैं पर्सनली कभी भी ऐसी कंपनी नहीं खरीदना पसंद करूंगा जो बेसिकली बाहर का प्रमोटर ग्रुप है। क्योंकि होगा क्या कि बाहर का प्रमोटर ग्रुप को कितना आइडिया लगेगा उस बिजनेस को कैसे चलाना है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है जो हमें थोड़ी सी बेटर तरीके से फिगर आउट करनी पड़ेगी तो बेटर आइडिया लगेगा। इसलिए मैं पर्सनली नहीं लूंगा एक लंबे समय के लिए। विद दैट सेड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आया तो, एंड मैं फिर मिलूंगा आपके साथ में एक नए एपिसोड में।